हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तो आइए आपको आज से एक नया चीज़ दिखाते हैं। यूट्यूब एक अपना एडिटर लाने वाला था, यूट्यूब क्रिएटर करके, जो कि अभी लॉन्च हो चुका है। तो अब दूसरे ऐप पे इसको हम लोगों को एडिट करने की ज़रूरत नहीं है अपने वीडियो को, यूट्यूब खुद अपना एडिटर दे चुका है। तो आइए इसका कैसे डाउनलोड करना है, कैसे यूज़ करना है, तो ये आपको बताते हैं। तो आपको सबसे पहले जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे YouTube क्रिएटर। अब YouTube क्रिएटर लिखेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। देखिए YouTube क्रिएटर लिखा हुआ आ गया, मेरा तो इंस्टॉल हो चुका है, तो इंस्टॉल कर लीजिएगा आप लोग। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन का ऐसा आएगा, तो ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। पहले लॉगिन का ऑप्शन आएगा, मैंने लॉगिन कर लिया है। तो लॉगिन करेंगे आप, जो भी आपका जीमेल आईडी बना होगा उससे आप कर लीजिएगा। और उसके बाद फिर ये प्लस का आइकॉन आएगा, उसको क्लिक करेंगे और जो वीडियो आपको उठाना है वहाँ से आप उठा सकते हैं। तो देखिए ओपन करने के बाद फिर हमें वीडियो उठा लेना है। प्लस के पे क्लिक करने के बाद प्लस आइकॉन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो वीडियो जिस पे वर्क करना है, आप कोई भी वीडियो ले लीजिए। जैसे हम इसको ले लेते हैं और इसमें ये देखिए, ये अभी यूट्यूब नया कुछ निकाला है जो कि वीडियो को ये कंप्रेस करता है, उसके बाद इसको साइज में ले आता है जिससे नेट वगैरह जो है खर्च कम हो और जितना क्वालिटी की ज़रूरत है वो क्वालिटी मिल जाए, सारा कुछ उसके हिसाब से डल जाता है। तो आइए ये लोड हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ कि आगे कितना अच्छा अच्छा फीचर्स इसमें दिया है। जो अदर ऐप में है वो सारा इसमें है, बल्कि बहुत सारा चीज़ें, जैसे हम लोगों को वाटरमार्क के लिए अलग से डाउनलोड करना पड़ता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है। अब देखिए ये वीडियो आ गया है, तो इस वीडियो में अगर हमें एडिट करना है तो कैसे करेंगे। इस वीडियो में हमें करना क्या है कि कुछ भी करना है। अगर मान लीजिए कि ये हमें लग रहा है कि यहाँ से कट करके हटा देना है, तो यहाँ स्प्लिट पे जाएंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ पे आएंगे और डिलीट कर देंगे। देखिए वो पार्ट ख़त्म हो गया। अगर हमें बीच से कुछ हटाना है तो बीच से हटाने के लिए क्या करेंगे कि इसको सिलेक्ट करेंगे और स्प्लिट पे क्लिक करेंगे। देखिए कट यहाँ लग गया। अगर हमें यहाँ से काटना है तो फिर इसको यहाँ पे लाएंगे जहाँ से कट करना है, फिर यहाँ पे स्प्लिट कर देंगे। अब देखिए कट गया, जिस पार्ट को हटाना है उस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे डिलीट, और देखिए वो पार्ट ख़त्म हो गया। तो ऐसे ही करना है। और बाकी अगर टेक्स्ट करना है तो टेक्स्ट में देखिए दो तरह का दे रहा है, एक प्लेन टेक्स्ट कर सकते हैं आप सिंपल टाइपिंग, जैसे मान लीजिए मैंने अपना नाम लिख दिया, ये सिंपल हो गया। देखिए ये अब इसको हम कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं, लगा सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे छोटा बड़ा करना हो तो ये देखिए छोटा हो गया, बड़ा हो गया, ये सारा कुछ इससे किया जा सकता है। और दूसरा चीज़ है, दूसरा स्टाइल, इस पर चले जाते हैं हम लोग, फिर से टेक्स्ट उठाते हैं। दूसरा जो दिया है इफेक्ट वाला, इसमें देखिए इस तरह का टाइटल वगैरह भी दिया है, तो टाइटल जो है अब इसके जगह पे कुछ भी आप अपना लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग ब्लॉग, इंटरेस्टिंग ब्लॉग लिखते हैं, तो ये देखिए। अब उसके बाद इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं डन करने के बाद। अब ये देखिए यहाँ से छोटा बड़ा करके अब इसको कहीं भी साइड में लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हो गया। ये सारा चीज़ है जो आप यूज करते थे उसमें, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। तो बाकी और भी चीज़ है जो आप करना चाहेंगे, जैसे ओवरप्ले, जैसे आवाज़ देना है आपको, या फ़ोटो लगाना है किसी और भी फ़ोटो। अब जैसे मान लीजिए कि हम इसको लगाना चाहेंगे, स्क्रीन शॉट लगाना चाहते हैं, तो स्क्रीन शॉट भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, जितना बड़ा करना चाहे जितना छोटा करना चाहे आराम से कर सकते हैं, इसको यहाँ पर लगा सकते हैं। अब देखिए ये सब हो गया डन। और उसके बाद जब इसको, जब हमें लगे कि हाँ हमारा काम हो चुका है और वॉइस ओवर करना है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं ऊपर से। हेलो गाइस, है ना। तो बस यही है,
बहुत सारा चीज़ है इसमें आप आराम से कीजिए, और कोई भी वाटरमार्क वगैरह नहीं आता, देख सकते हैं वीडियो में कोई भी वाटरमार्क नहीं है। अब इसको हम आपको सेव करके दिखाते हैं, ठीक है, सेव करके आपको दिखा देते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपोर्ट करेंगे इसको, इसको हाई क्वालिटी में ही रहने देंगे और एक्सपोर्ट को दबा देंगे। अब देखिए ये अपने हिसाब से इसको सेट कर देगा, सेट करने के बाद ये आपका काम हो गया डन। तो ये बहुत बढ़िया लाया है यूट्यूब ने, आप लोग इसको डाउनलोड कीजिए और इसी से एडिट कीजिए हम तो कहेंगे। बाकी आप देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए थोड़ा बहुत, बाकी ऐसा ऐसा नॉलेज लाते रहेंगे आपके पास, आप लोगों को हेल्प हो जाएगा बहुत सारा। तो फाइनली गाइज ये हो चुका है, बाकी आपको हम दिखाते हैं कि वो वीडियो कंप्लीट होने के बाद कैसा दिख रहा है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये, तो ऐसे ही आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऐप है ये, और एक बार यूज करके देखिए, मुझे तो अच्छा लगा, मैं इसी को यूज कर रहा हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही आपको नॉलेज का चीज़ हम बताते रहेंगे जो भी मेरे पास आएगा। बाकी सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर नहीं किया है तो, और बहुत सारा आपको चीज़ मिलने वाला है इसमें, बहुत सारा इंटरेस्टिंग ब्लॉग भी मिलेगा आपको और ज्ञान की बातें भी मिलेंगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।